नमस्कार दोस्तों, मैं तालिब लाल किताब वरुण मेहता अमृतसर से आज फिर आप सबके सामने हाजिर हूँ। आज के वीडियो को शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों को मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं, पसंद आते हैं, वो लोग प्लीज़ इन वीडियोस को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर ज़रूर करते रहें। चैनल को सब्सक्राइब करते ही बेल आइकन जरूर प्रेस करें और नोटिफिकेशंस को ऑल पे सेट करें। जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि हम सब लोग जो हैं एस्ट्रोलॉजी की डिफरेंट स्ट्रीम्स को प्रमोट कर रहे हैं, तो उसी लिहाज से आज भी हम लोग योग चर्चा को शुरू करते हुए आज के सेशन को शुरू करेंगे। और आज के सेशन की जो खास बात है, मैं अपने आप को प्राउड फील कर रहा हूँ, बहुत ही खुश हूँ आज मैं कि आज हमारे साथ लाल किताब की लिविंग लेजेंड जुड़ रहे हैं। उनको कोई इंट्रोडक्शन की उनके नाम को जरूरत नहीं है, और अतिथि देवो भव को ध्यान में रखते हुए आज उमेश जी को, उमेश शर्मा जी को, श्री उमेश शर्मा जी को, जिनकी बहुत सारी बुक्स हम लोग पढ़े हैं, जिनकी बुक्स पढ़ पढ़ के हर एक लाल किताब वाला अपना अनुभव हासिल करता है, उनके अनुभव से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, तो उनको आज अपने चैनल पे लाते हुए मुझे बहुत ही गर्व फील हो रहा है, बहुत प्राउड फील हो रहा है। और जैसे कि हमारी उमेश सर से डिस्कशन चलती रहती है, हम लोग कुछ ना कुछ डिस्कस आपस में करते रहते हैं, तो आज अपनी डिस्कशन को एक बड़ा अच्छा मोड़ देते हुए आज हमने जूम पे, यूट्यूब पे लाइव आने की एक छोटी सी कोशिश की है। मैं उम्मीद करता हूँ हमारे सभी दर्शकों को ये हमारा जो प्रयास है वो पसंद आएगा। तो आज हमारी चर्चा में उमेश जी के साथ साथ राहुल पुरी जी, जो कि गुड़गांव से हैं, और देवांशु भाई, जो कि दिल्ली से हैं, पटेल नगर से हैं, जो कि जेमस्टोन के स्पेशलिस्ट हैं, आप सबको पता ही है, जो कि बड़े अच्छे अच्छे सेशन हमें देते हैं। तो मैं आज उमेश जी को वेलकम करता हूं। धन्यवाद। वेलकम सर। नमस्ते धन्यवाद। उमेश सर। वेलकम सर। क्या वेलकम वेलकम हाल है जी उमेश जी, कैसा हैं आप? ठीक हो भैया। शुक्रिया। धन्यवाद। अरे हमारा, हमें प्राउड फील हो रहा है सर आपको यहाँ बिल्कुल पे सर, तो लाने लाने में। हम बहुत आपकी खुश किताब हैं, पढ़ पढ़ के सीखे हम तो। हाँ बहुत ही आपने अपनी लाइफ की पूरी डेडिकेशन दी है लाल किताब को, और उमेश जी की लाल किताब भी मार्केट में अवेलेबल है, तो जो कि बहुत सारे लोग खरीद भी रहे हैं, अमेजोन पे इजीली अवेलेबल है। तो उमेश जी, आज आप हमें किस योग के बारे में अपनी गाइडेंस देंगे, कुछ देखो, आजकल बताइए आप। आजकल मेन जो प्रॉब्लम है ना, जी जो मेरे निगाह में आ रही है वो जी है शादी। जी और शादी डिस्टर्ब होने का मेन योग है एक सूर्य बुध और शुक्र का इकट्ठा बैठना। जी अगर सूर्य बुध शुक्र इकट्ठे बैठे हैं किसी के जन्म पत्री में, तो जी आप बेहिचक कह सकते हैं कि महिला में डिस्टर्बेंस है। पर एक निशानी जी निशानी ये है कि अगर ये आदमी की पत्नी में सूर्य बुध शुक्र इकट्ठे हैं और उसकी वाइफ तीखा बोलती है, तो जी वैसे ऑनलाइन पहले जहां तक अंदाजा होता है कि उसका उसके दिमाग में कोई और रचा बसा होता है, यस ये असल बात तो। जी इसको अगर सरल शब्दों में या स्पष्ट शब्दों में मैं अगर बोलना चाहूं, तो हाँ इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि जैसे कि बुक में जिक्र है, असल जो लाल किताब हाँ बुक है रिकॉर्डिंग उसमें जिक्र है कि जिस्मानी ताल्लुकों की वजह से औरत परेशान रहेगी, या चाहे वो मनमर्जी से बने हों या जबरदस्ती बनवाए गए हों। सही बिल्कुल बोल रहा हूँ सर? सही बात। देखो जी, आपके सामने बोलने में मुझे कभी कभार डर नहीं, भी लगेगा। अरे नहीं, असल बात यह है कि अगर उसका इसका मतलब है कि उस लेडी का कहीं ना कहीं सेकंड अफेयर है यस और वो उधर लेने के जाए, उसको अपना ये फर्स्ट हस्बैंड पसंद नहीं आता, वो जी तीखा बोलना शुरू कर देती है। परंतु बिल्कुल इसका लाल किताब की आप दर्शी सिस्टम देख पढ़ा होगा आपने, दर्शी जी सिस्टम में एक टॉपिक आता है मुकाबले के ग्रह। मुकाबले यस जी के ग्रह आपके बारे में आप क्या समझते हैं? बिल्कुल बिल मुकाबिल
बिल मुकाबिल के बारे में क्या समझते हैं? बिल मुकाबिल देखिए जी, वो तो है कि जो दो ग्रह खराब हो जाएंगे लेकिन खराब तीसरा करेगा। हाँ, इसका बेसिक है, इसकी डेफिनेशन ये है कि दो दो दोस्त बैठे, जी 7th हाउस में सूर्य आ गया, जी और सूर्य 7वां ग्रह है बुध और शुक्र का। बिल्कुल अब जब सूर्य यहाँ पे आएगा, सूर्य बुध का मित्र है, शुक्र का शत्रु है। बिल्कुल अब 7th में सूर्य के आने के बाद में बुध शुक्र कुंडली में कहीं भी बैठे हो, आसपास ही बैठेंगे, जन्म कुंडली में तो आसपास ही बैठे बिल्कुल हो, बिल्कुल जी ये जी बुध शुक्र दोनों बजाय दोस्ती के, कहें बुध शुक्र के शुक्र का दोस्त है, तो यह दोस्ती करने के बजाय शत्रुता कर लेगा आपस में। तो बिल्कुल शुक्र को दोहरी मार पड़ गई, बिल्कुल एक तो दोहरी सूर्य पड़ी है की, बिल्कुल दूसरा बुध की, ठीक जी है ना। लेकिन जी आपने कई सूर्य पुष्प शुक्र वाले देखेंगे, उनकी मैरिज बहुत ठीक चल रही, बहुत ठीक चलती है। उसकी वजह मदद और बुनियाद के कॉन्सेप्ट वो तो बात की बात है यार, कौन जी अब मदद कहाँ से लोगे। सूर्य जी 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 पुष्प कहते बैठे हैं, समझ लो 9th हाउस में बैठे, तो 5वें घर से मदद मिलेगी, जी जी वहां जी पे दृष्टि भी आएगी बिल्कुल पांचवें कहते मदद, जो दृष्टि आएगी मदद की दृष्टि होगी ना, तो बिल्कुल 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 बुनियाद लगन बन जाएगा। जी बिल्कुल लगन में राहु बैठा है, और 5वें घर में समझ लीजिए वो बैठे हैं, कोई और शनि बैठा है, तो बिल्कुल अब इसको ये कैसे मदद देंगे। देखो ना वहां पर, यहाँ पर एक और कंसेप्ट आ जाता है, जैसे शनि देखे सूर्य को तो नर ग्रह स्त्री उम्दा हो, वहां पर कहीं ना कहीं शुक्र को बचा लेगा कैसे बचाएंगे अब, क्या कि शुक्र जो है यहाँ जी। अकेला शुक्र बैठा है, वहां 2 ग्रह बैठे हैं, जी अब यहाँ शुक्र के साथ भी ग्रह ऐसा आना चाहिए जो उसको मदद आगे करे, बिल्कुल वो शुक्र का मददगार ग्रह है केतु। बिल्कुल अगर उस आदमी के जिसके सूर्य पुत्र शुक्र इकट्ठे पहले लड़का हो जाता जी है, तो वही मैरिज लाइफ बढ़िया हो उसमें जाएगी बढ़िया हो जाएगी, फर्स्ट बढ़िया क्लास। हो जाएगी हाँ, बिल्कुल और शुक्र जड़ जरूर जमीन है, जहां शुक्र बिल्कुल क्या हुआ नहीं, वहां इन सारी सिरदर्दी खत्म हो गई, और अगर बेटी हो गई तो फिर राम पटाखे हो जाएंगे। बचाए। हाँ, बहुत डर भी बुध वरुण जी। हाँ का जी डबल रोल हो गया ना। बिल्कुल जी सर, इसमें एक चीज मैं पूछना चाहूंगा कि इसमें यह भी कहा गया है कि जब ये युति बनती है 3 ग्रहों की, तो केतु के पोषण जरूर दिखनी चाहिए हमारे को, ऐसा बिल्कुल क्यों कहा गया है? यही तो बोला है ना कि अगर बेटा हो हाँ जी जाएगा हाँ तो जी बचाव हो जाएगा, बिल्कुल, बेटी पर हो गई केतु तो अगर बड़ा ठीक हो जाएगा। बैठा है तो कहीं ना कहीं वो सपोर्ट दे रहा है वो हाँ अब इसको। देखो जैसल जैसल भाई यहाँ पे लेटे पड़े हैं। आ गया, आ नमस्ते गया। उमेश नमस्ते बेटा, सर। नमस्ते, कैसे हो। इसका भी तो सूर्य शुक्र इकट्ठे बस ना। ठीक हाँ, अब कौन बोले क्या बोले, इसका सूर्य हूँ। को शुक्र छोड़ो, इसका अपना शुक्र देखो। बिल्कुल भाई डायमंड का काम करता है, शुक्र तो ऑलरेडी उसका हो गया इसका। बिल्कुल बिल्कुल मैं कह इसका 10वें घर में लौटे, कहीं ऐसे घर में बैठा था, बताओ भाई। नहीं किसी नहीं दूसरे घर में है, किसी दूसरे घर में, दूसरे में। तो ये जो योग हो हैं मेरी और तो इसकी सर मुलाकात ही शुक्र के ऊपर हुई थी, जी बिल्कुल हाँ है ना। यस यस लोगों ने इसको डरा दिया था, पंडित जी पता नहीं कितने पैसे मांगते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, बहुत डरा दिया था इसको। हाँ मैंने कहा नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है, देखो कमाते जी हैं, कमाना तो एक अलग बात है। जी उमेश सर आपने एक बात भी बोली थी, शनि मंगल साथ में तेरे, बोले तू डरना नहीं, जरा भी बोले कुछ हाँ होगा नहीं तेरा, कुछ जी नहीं होगा। डूबते सूरज की लाली पाता, शान बुढ़ापे बढ़ती हो, धन दौलत का इतना बढ़ता है, डाका वहां पड़ता हो, शनि क्या मंगल बात है लेन देन ऐसी इतवार ली। ही मंदा है, हाँ लेन देन इतवार पे लेन देन करेगा वो मंदा हो जाएगा, बाकी सब ठीक बिल्कुल, है। हाँ, इसलिए बिना जैसे लिखत हाँ, पढ़ के लेन देन करनी नहीं है। और जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे पैसा बढ़ेगा। यस ऐसी डिस्कशन में व्यूवर्स को बताना चाहूंगा कि ऐसी डिस्कशन सुनने और करने में मजा आता है जब श्लोक याद हो, जिसको श्लोक का ही नहीं पता वो क्या डिस्कशन करेंगे, सिर्फ सही सिम्टम्स बात पे नहीं है लाल किताब, नहीं, बेसिकली इलाके तक चलती तो सिम्टम पे ही है। नहीं चलती तो है बिल्कुल। अब जैसे कुंडली नहीं है और हाँ आपको मतलब गवर्नमेंट अनफेवर हो रही है, गवर्नमेंट जी की तरफ से कोई परेशानी आ रही है, समझ लो आपका सूर्य खराब है, बिल्कुल बिल्कुल सर। और मुकदमेबाजी पड़ गई तो राहु खराब है। देखिए सर पता क्या बात है उमेश सर, कि छोटा मुंह बड़ी बात है, कि जब हम लोग सिम्टम तभी पकड़ पाएंगे ना अगर हमें उसका बेस पता है, हाँ, वो तो बहुत बट नेचुरल है, तो नॉलेज नहीं हो ना, तो तो बिना व्याकरण के क्या पकड़ेगा कोई बिना व्याकरण के तो लागता, जी। व्याकरण लागता में अब पढ़नी व्याकरण जी। हाँ अभी आज मुझे कोई बोल रहा था कि
जी सूर्य राहु का क्या उपाय करें। ठीक हाँ है, तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा तेरे को पता है कि रोज सुबह सूर्य राहु वाला शख्स जो है वो तेरे घर पे आता है। हाँ कहता सर कोई नहीं आता। मैंने कहा आता है। कहता कौन आता है। मैंने कहा भाई म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन वाला जो भंगी आता है कूड़ा उठाने। सही कहता नहीं, बात सरकारी है, बिल्कुल कर्मचारी जो कूड़ा उठा रहा है वो क्या है, वो सूरज राहु से कनेक्टेड नहीं है। बिल्कुल मैंने कहा बिल्कुल भैया उसकी सेवा कर लो। ठीक है ना, अब अगर आपको सूरज राहु नजर ही नहीं आ रहा कहाँ है, ठीक है, तो क्या उपाय करेगा कोई। उपाय करेगा। ये छोटी छोटी चीजें जो हैं ये आपको प्रो बना देती हैं। क्यों सर, सही कह रहा हूँ सर। बिल्कुल सही बात। अब मैं व्यूवर्स को ये भी बताना चाहूंगा कि जो उर्दू वर्जन के 5 सेट हैं, 1939, 40, 41, 42 और 52, ये पहली बार मेरे हाथ में इकट्ठे उमेश सर के घर पे ही आए थे। याद है सर जब हमने दिल्ली में गोष्ठी करी बिल्कुल थी मालूम है और यार। आपके घर पे आके जब वो कुंडली देखी थी एक बड़े हाँ शख्स हाँ की तो एस बड़े गुप्ता, यादगार लम्हे थे वो। एस गुप्ता जी बिल्कुल बिल्कुल, वो भी थे। अब जी तो वो मेरा वेडर कहीं चले गए। हाँ, नहीं एक और शख्स की देखी थी, उसका नाम नहीं डिस्क्लोज करूंगा यहाँ पे, जिसकी जमानत का चक्कर था और उस वक्त बहुत लंबा चौड़ा सीन चल रहा था। जैसा न बोलूंगा, नहीं आप भी मत बोलिएगा। नहीं, नाम नहीं लेंगे। वो सुर्खियों में था उस वक्त अखबार में, अच्छा अब फिर कभी बताऊंगा या कभी आफ्टर सेशन। खैर, तो अब उमेश सर और सूरज बुध शुक्र की रेमेडी क्या क्या करें, क्योंकि वीवर जो हैं वो रेमेडी के लिहाज से बहुत ज्यादा उत्सुक रहते हैं। देखो, सिंपल सी बात है, जी सिंपल सी बात है। जी इसकी रेमेडी है, जिसमें जहाँ तक की शादी हो रही हो जी उसमें गागर बना ले, तांबे जी की भैया गागर ले जी ले, उसमें मूंग की दाल डाल दे, साबुत मूंग भर के उसको भर दे, जी वो सील करा के वो रख लें। फिरों जी के टाइम में उसको हाथ लगा के रखवा दें, अगले दिन जाकर फादर ब्रदर कोई भी जाके उसको परवाह कराए, अगर जी करके आए तो दी बेस्ट, जी समझे नहीं। अदरवाइज अच्छा वो खुद करेगा तो जिद्दी हो जाएगा, जी उसकी जनानी, उसकी जो वाइफ है वो जिद्दी हो जाएगी। बिल्कुल, यहाँ अच्छा पर एक और मिथ है कि लोग कहते हैं उसके फेरे कराने हैं, वो फेरे कराना भी मिथ नहीं है। कुछ नहीं है, वो सब जी बकवास बाजी है, और तो सारी वैसे है। बिल्कुल, और दूसरी बात ये एक चीज मैं जरूर कहूंगा कि अगर जिसकी भी शादी हो रही है अगर वो अपने रिलेशन, फिजिकल रिलेशन से पहले अगर वो गागर कर ले तो ज्यादा बेहतर रहता है। ज्यादा बेहतर वो खुद ठीक है ना ना करे, उसके फादर का क्या, लड़की जी, फादर कर दें, लड़की की है तो लेकिन लड़की लड़की के फादर का जो जी इंस्टेंटली अगर हो जाए तो सबसे बेहतर ये कन्यादान, रहता है। हाँ जो कन्यादान करता है वो करे आए। वो करा है। जी वो कराए, बिल्कुल बहुत अच्छे, ये छुपे रुस्तम है जैसा। जी उमेश सर इसको नहीं नहीं बहुत कुछ पता है, ये बताता नहीं है कौन, नहीं नहीं जैसल। जैसल जैसल ना, हाँ ये जी, तो है ही, छुपा रुस्तम, छुपा रुस्तम है ये। इसने बड़ा माल इकट्ठा कर रखा है, बहुत माल बहुत इकट्ठा बहुत माल है इसके पास। कर रखा है। और वैसे ही मान लीजिए नहीं हो पाया, जिनके पास उपाय वो क्या करें, तो जी बेसिकली उनको क्या चाहिए, एक रोटी के ऊपर आम का या नींबू का अचार रख के गरीब जी को देते रहे, जब तक जी वो अचार बांटती रहेगी या बांटता हाँ रहेगा उसकी महिला में टेंशन नहीं आएगी, वो केतु ही बिल्कुल होगा, केतु की बिल्कुल, सहायता, केतु केतु की मदद बिल्कुल लेनी पड़ेगी, खटाई। कटाई। जी अच्छा वरुण जी एक चीज पूछ रहे, अभी तो हमने जो बात करी वो सिर्फ नेगेटिव साइड्स पे है, अगर इसका पॉजिटिव साइड देखें तो क्या होगा? तो इसका पॉजिटिव साइड, आप पॉजिटिव साइन क्या हो सकता है, पॉजिटिव बता पाओगे आप ज्यादा साइन है ही नहीं इसका। बहुत कम पॉजिटिव है, बहुत कम। अच्छा और एक रेमेडी और मैं लोगों को बताना चाहूंगा कि ये जनरल है कि कोई भी हो, क्योंकि सूरज बुध शुक्र कहीं भी हो तो ये तांबे की गागर वाला उपाय जो है वो शादी के हाँ टाइम पे करना जरूरी है। लेकिन प्रॉपर एक सर 9th हाउस में एक रेमेडीज की दी है कि साधु को 7 रोटियां, साथ साधु को 7 रोटियां एक साथ देना, एक इसका उपाय है। वो साधु जो है वहां पर किस्मत जगाने वाला है ताकि आपकी किस्मत राइज करती रहे। बृहस्पति है ना वहां पे 9वें घर में, तो जी किस्मत जगाने वाले ग्रह की मदद वहां पे ली गई है। और वो साधु जो है वो भगवे चोले वाला साधु होना चाहिए, फकीर नहीं या भिखारी नहीं। एम आई हाँ राइट सर? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, वो साधु ही होना चाहिए, भिखारी नहीं। साधु और भिखारी का फर्क आपको बिल्कुल देखना पड़ेगा। सर एक और चीज आपसे पूछूंगा कि इसमें सूर्य बुध शुक्र में चांदी का छल्ला बोला है अंगूठे में, वो अगर आप समझा दें तो बहुत बढ़िया रहेगा।
मेरे नॉलेज में नहीं, अरे नहीं सर, मैंने यूज ऐसे थोड़ी हो सकता है। नहीं, सही, मैंने यूज ही नहीं किया, मैं अच्छा तो गागर वाला ही उपाय कराता हूँ, उसी के ही जी मैंने जी इफेक्ट देखे, वो मेरे को जी लिए जी बड़ा अच्छा काम करता है। जी चांदी के छल्ले का जिक्र है सूर्य पुष्प शुक्र में, जैसे कि पढ़ा है हम लोगों ने बुक में कि चांदी के छल्ले को अंगूठे में पहना दिया जाता है ताकि शुक्र को जो नू सास का झगड़ा जिसको बोला है वो भी कंट्रोल रहे और शुक्र भी ठंडी रहे। व्याकरण में एक मैंने श्लोक पढ़ा था, ग्रह शत्रु में गुरु जो आवे बैर खत्म हो जाता है, माता चंद्र जब साथी होवे मित्र सभी बन जाता है। जी तो इस ग्रामर के इस पॉइंट को यूज किया गया था उसमें। तो वो जो यूटिलाइजेशन है, क्योंकि एक चीज मैं सभी को यहाँ पे और भी बताना चाहूंगा क्योंकि उमेश जी तो हस्तरेखा भी बहुत अच्छे से जानते हैं, तो लाल किताब के जितने भी उपाय हैं ना वो हस्तरेखा और ग्रहों को ज्वाइंट करके बनाए हैं, बिल्कुल है ना। बिल्कुल तो इसलिए शुक्र का अंगूठा भी लिया है इन्होंने, क्योंकि यहाँ पर राहु और केतु दोनों मौजूद हैं। सर मुझे तो हस्तरेखा का इतना ज्ञान नहीं है, आप थोड़ा सा अंगूठा शुक्र है ना, उनके जी। बाद और ये मुश्तरका मसनूई शुक्र के भी है, मैं मसनूई शुक्र भी मानते हैं ना बेसिकली इसको। क्या है कि मेरा मेरी अप्रोच तो इस पे गागर पे ज्यादा रही है। जी 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 नहीं वो तो बेस्ट है, वो हाँ, तो बेस्ट है। मैंने दूसरे में ना मुझे किसी का बेनिफिट हुआ ना नहीं मेरे को फायदा हुआ, तो मैं उसी को करता बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मकसद तो हूँ। फायदा लेने से है मैं मकसद तो फायदा नहीं, मैं वही कहने वाला कि जी। मुझसे बिल्कुल तो मैं तो अब बेसिकली लाल किताब को मैं स्टडी मटेरियल की वजह से नहीं आया था, जी। मेरा लाल किताब में आने का कारण ही कुछ दूसरा अच्छा तो प्लीज शेयर करिए ताकि जो था। लोग आई बिलोंग टू लो मिड क्लास फैमिली, अच्छा आई बिलोंग टू लो मिड क्लास फैमिली, तो जी बेसिकली बाय एजुकेशन मैं आई आई एम क्लियर द बीएससी, आई एम ओके केमिकल इंजीनियर, केमिकल इंजीनियरिंग करी, तो उसके बाद केमिकल का काम शुरू किया, मैंने बहुत डिटर्जेंट बनाया, जी बहुत लिक्विड मतलब कॉस्मेटिक लिक्विड के बनाए, सोप कॉस्मेटिक्स हाँ कॉस्मेटिक्स बनाए, तो वो लेकिन आई एम टोटली फेल, मेरा काम ही ना चले। उसी चक्कर में एक मिस्टर मदन गोपाल महेंद्र थे, चीफ केमिस्ट ऑफ द हिंदुस्तान लीवर, वो हम जब सर्फ बनाते थे ना, हम जब डिटर्जेंट पाउडर बनाते थे तो वो अपना रॉ मटेरियल जो होता है वो देने आते थे, तो वो उन्होंने मेरे को देखा जाएगा ना, वैसे मैं वैसे बैठा हुआ था कुर्सी पे, तो उन्होंने मेरे को बैठे बैठे कुछ निशान गिना दिए, कहते तेरा यहाँ यहाँ पे ये निशान है, निशान मैं कह यार एक पेंट मैंने पहन रखी उतार ही है यार, कमाल जो अंदर के आप बातें बता रहे हैं। मैं बड़ा हैरान हुआ, तो मैंने कहा जी मुझे मेरे को इंटरेस्ट क्रिएट होता थोड़ा सा, क्योंकि तब तक तो मैं बिल्कुल इसके ज्योतिष के पीछे था, तो चले गए जी उनके घर, लांच आउट कर रहा उनका। हाँ, उनका ये क्या आदत थी, मेरे को जितने भी गुरु मिले हैं ना, एक पंडित नीलकंठ, तो राजीव शर्मा का नाम तो सुना होगा, जी ये जलंधर में वो कराते हैं, जी जी तो उसने एक वो सम्मेलन कराया था, उस सम्मेलन में एक पंडित नीलकंठ आए थे, बटाला से अच्छा नहीं वो बटाला वाले तो अवेलेबल ही नहीं, वो तो पंडित जी के पेपर थे, वो मिस्टर टंडन थे, वो ले गए 35 पेज ले गए उनके, नीलकंठ जी के ब्रह्मवाक्य के, जी जी अब सिर्फ ब्रह्मवाक्य उसके पास है, इकबाल के पास, अच्छा तो वो पंडित नीलकंठ जो आए थे, तो ये मदन कुमार महेंद्रू, ये हिंदुस्तान लीवर के चीफ केमिस्ट थे, तो जी केमिकल इंजीनियरिंग में जो मैंने जो काम करना सीखा केमिकल का, वो इनसे सीखा कैसे सरफ बनाते हैं, कैसे क्या करते हैं, कैसे साबुन बनाते हैं, कैसे कॉस्मेटिक जी बनाते हैं, वो सारा इनसे सीखा। मेरे को जितने गुरु मिले सारे नशेबाज, ये नहीं थे क्यों मिले, और दूर नशे, मैं जिंदगी मेरे मैं अपने मेरा आइडियल मेरे फादर रहे, हालांकि साइकिल की दुकान थी उनकी, जिस जगह में साइकिल थी उस जगह पर कोई कर नहीं सकता था, लेकिन मेरे आइडियल थे, लेकिन वो मेरे फादर साहब अच्छे खासे ड्रिंक कर लेते, ये मदन गोपाल महेंद्र ये बड़े ड्रिंक करते, बहुत तगड़ा ड्रिंक करते, तो ये तो जब मैं ये क्या इनका है ना लड़का, उसमें मोरे शेटन में काम करता था, वो उसको तनख्वाह मिलती थी, ये सारी तनख्वाह भाई साहब पैसे मुड़ा देते, जब आखिरी के 100-200 रुपये मैं कहता ये सामान ले, ये सामान लाते ये बनाते थे, कहते जाओ ये बाजार बाजार में बेचा, उसको जी सारा पैसे बना लेती थी। तो खैर
देखो पानी के मोम मिला ना, उन्होंने नहीं सिखाया, पानी इसमें में मोम कोई नहीं मिला सकता। जी 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 लेकिन ये जो ये शिप्स के जो बाल होते हैं ना, जो ऊन आती है, जब हाँ जी जी ये शिप्स के बाल उतारते हैं, इसको पहले सॉफ्ट करते हैं, तो उसमें एक सॉफ्टनर के अंदर डालते हैं, वो सॉफ्टनर के अंदर मोम मिली होती है, जी तो मोम पानी में कैसे मिलाते हैं, इन्होंने मेरे को सिखाया था। तो एक से एक बढ़ के मेरे को गुरु मिले, लियाकत मिले सारे ढंग, ये नहीं समझाई। जी मेरा एक छोटा भाई था गुरु को राहु देख रहा है ना सुरेंद्र प्रभाकर, जी। बहुत बढ़िया ला किताब पढ़ता था, ला किताब बच्ची करता था, वो उसकी डेथ भी शराब पीने से हुई। मेरे कई जानकार हैं जो शराब पी पी के गए हैं और ला किताब को बड़े अच्छे जानकार रहे हैं। तो कुल मिला के मैं वही बताया कि पता नहीं मेरी मेरी हॉरोस्कोप में क्या है कि मुझे जितने गुरु मिले हैं सारे शराबी, मैं शराब को हाथ नहीं लगाता। लॉकडाउन में क्या 20-25 बोतलें पड़ी होंगी, लोगों फ्री में बांटी, मैं कहा ले जाओ जी यार, मेरा शनि 11 मुझे रखनी, घर में भी नहीं रखनी है, तो पीने की तो बात छोड़ दो। तो मैंने बांट दी सारी वो, तो नॉलेज उन लोगों के पास बहुत बढ़िया। वो मैं जिनकी बात बता, नीलकंठ शर्मा की, जी उनको मैं वो शराब, वो भी शराब के बड़े शौकीन थे। डॉन जी पिक्चर देखी है? डॉन जी 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 पिक्चर आई हुई थी मुजफ्फरनगर में, मैं था। मैं ना, ये सिरका दो तरीके का आता है, एक ये सिंथेटिक सिरका आता है जो जी प्रिपेयर बाय द एस्टिक एस्टिक एसिड, जी और एक दूसरा सिरका आता है, वो सिरका गन्ने के रस से बनता है। जी तो मैं वहाँ गन्ने के रस के प्रोसीजर ये है कि एक मटका लेते हैं, उसमें गन्ने का रस भरते हैं, उसको जमीन में दबा देते हैं, उसके जी अंदर ठीक एक सोने एक लोहे की कील डाल देते हैं, है जब वो उसको निकालते हैं तो लोहे की गल जाती है उसके अंदर, उसको लेके उसको उससे वो जी विनेगर तैयार करते हैं। ठीक है वो विनेगर, उस विनेगर का एक्सपोर्ट बहुत होता है। ओके जी तो मैं केमिकल में वैसे ही था, तो मेरे दिमाग में अच्छा, उन दिनों चरण सिंह का वो था, चरण सिंह प्रधानमंत्री थे, चरण सिंह के प्रधानमंत्री काल के अंदर गन्ना सबसे ज्यादा सस्ता हुआ, इतना ओके सस्ता कि लोग को वो कट जितने काटने की जो होती है ना मजदूरी, वो भी नहीं मिलती थी, अच्छा इतने पैसे मिल जाए बेच के कि वो काटने का जो मजदूरी का पैसे वो मिल जाए, वो खड़खड़े जला देते थे। तो हम मेरे दोस्त ने क्या किया, मेरे एक मेरा पार्टनर था, दोस्त भी था पार्टनर भी था मेरा, हमने वहां जाके गन्ना खरीदना, और गन्ने से उसको हमने मैंने ये ट्राई करी कि कैसे उसको सिरका कैसे बनाते हैं, जी वो सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट होता है। ओके तो वो हमने उसको ट्राई करना, अब हम क्या करते हैं उसको ना, हमने कहा जमीन में करता है तो जमीन में हीट होती है, तो कहीं ना कहीं हीट से इसका हीट प्रोसीजर, तो हमने थोड़ी देर ना उसको हीट देनी शुरू करी, वो करते करते वो अल्कोहल बन जाए, उसके ओके जी जब छान छुन के हम तैयार करें वो प्योर अल्कोहल बन जाए। सर वो सिरका बना ही नहीं हमसे, अच्छा नहीं बना कोई बात नहीं। तो उन्हें वो पंडित जी आते थे, तो मैंने किसी दिन पंडित जी कहा, मैंने कहा पंडित जी अच्छा हम वो देखने गए थे डॉन, तो डॉन की ना डॉन में मैंने मैंने क्या किया, उनको शराब पीने का बहुत शौक था, मृत संजीवनी सुरा पीते थे, डाबर अच्छा की मृत संजीवनी सुरा आती है वो पिया जी करते थे। जी तो मैंने अपने दोस्त से कहा, तो वो उस दिन वो मिली नहीं, तो वो कहता मिली नहीं, मैं कहा एक काम कर ये ले, ये मैं सही अल्कोहल ही तो होता है उसमें, है सही है अल्कोहल दे, तो मुझे ये नहीं पता उसमें बाकी चीजें मिक्सअप होती, मैंने कहा ये तो ले, ये थोड़ा सा ये मिलाते हैं, बाकी पानी मिला के पिला देते हैं। हमने प्योर अल्कल पानी में डाला, है पहले तोड़ की पहले तोड़ के, पहले पहला तोड़ गया कुछ गया, तोड़ वो दे उनको दे दीजिए, उन्होंने की पी ली, पीने को जी जब वो इंटरवल हुआ तो मेरे से कहते हैं बेटा तूने मेरे को तो पिला दी, मैं तो सहन कर गया, किसी और को मत दे देना मर जाएगा, कहते बिल्कुल किसी और को दे दी, वो नहीं सहन करवाएगा इसको, किसी और को मत बिल्कुल पिला देना। मैंने कहा ठीक है जी, अच्छा मैंने कहा जी मुझे भी सिखा दो, उनके उनके मैं बैठक में, वो वहाँ ना मुजफ्फरनगर में लक्ष्मीबाई चौक है वहाँ पे वो उनकी बैठक थी, तो मैं उनकी बैठक में एक दिन गया, तो मैंने कहा जी मुझे भी ज्योतिष सिखा दो, उन्होंने मेरी जी कुंडली बनाई, पता नहीं क्या उन्होंने गोचर लगा के देखा, कहता है अरे क्या सिखाऊं, तो कल तो तू मुजफ्फरनगर छोड़ देगा। मैंने कहा जी इतना मेरे मन में सोचा, मैंने कहा यार मैं देखो बेसिकली क्या है, मैं पेशे से एस्ट्रोलॉजर हूँ जी लेकिन मन से एस्ट्रोलॉजर नहीं, जी मैंने अपने मन से ज्योतिष को कभी
प्रबंध नहीं थी। जी तो मैंने कहा, मैंने कहा यार क्या बोलूँ, इतना पैसा लगा के बैठे हैं, यूट्यूब बनने ने इतना पैसा लगाया, ये मुझे जाना देगा कि कीमत पे ना जाना दे जिसके इतने पैसे लगे हों। बिल्कुल। तो वो जी करते करते, लेकिन हुआ क्या, वाकई अगर मैंने संडे को इनके पास गया तो मंडे को मुझे मुजफ्फरनगर छोड़ना पड़ा, बाय किसी भी सर्कमस्टेंस से छोड़ना पड़ा, मुझे वो भागना पड़ा वहां से, अच्छा छोड़ दिया मुजफ्फरनगर, छोड़ दिया। मैंने कहा ये है जो चीज, तो फिर बिल्कुल मुझे राजीव के वहां पे मिले। तो राजीव के वहां पे ना बैठा बैठा कोई ना बंदा काफी वो टीचर मार रहा था, उन्होंने अच्छा बोला तू अभी तू इसको जानता नहीं है, मेरे लिए बोला उन्होंने वहां, फिर उसको डांटा वो। तब से मैं सारे, मैं कहता हूँ, मैं कई लोग मेरे को बंदरगाल महेंद्र जी मिले, नीलकंठ जी। शास्त्री मिले, और बहुत ही मेरे को मिले, सारे शराब। एक वो एक एक तो पेन मैन्युफैक्चर था जो फंडन पेन है वो बनाता था, उसने मेरा टेवा देख के कहा था, कहता मैं तब 18-19 साल का हूँ, कहता 3600 साल में जब तू आएगा तेरे पास इतनी ताकत होगी, तू किसी को गोली भी मार देगा तो हाथ में किसी को हाथ नहीं लगा पाएगा। और फैक्ट है, आफ्टर द 36, ये थी 1990 की दिवाली के बाद से मैंने राइजिंग करना शुरू करी, उसके बाद जी नीचे नहीं देखा। बिल्कुल। बुरा नहीं मानना, लोग तो पैसे कमाते होंगे, पैसे ऊपर से उड़ के आया नीचे, जी इतना पैसा ज्योतिष ने मेरे को दिया, और दिया ज्योतिष ने। मैं केमिकल काम में टोटली फेलियर था, फुल्ली जी फेलियर रहा इतना, बाकी सबके काम चले, जिनको सिखा के गया था जो मेरे पार्टनर थे वो उस फार्मूले से आज तक पैसे कमा रहे हैं, मैं कुछ नहीं कमा पाया। बिल्कुल लेकिन ज्योतिष के अंदर आने के बाद है, इसने मुझे मुझे जिंदगी जीना ही ज्योतिष ने सिखाया। देखो जी, हमने भी आप लोगों से, आपसे सर काफ़ी सीखा है, आपकी जो बुक्स से काफ़ी सीखा है। तो जो आपकी बुक्स हैं अभी अभी ग्रेफल मैंने व्याख्या, अभी मेरी नई किताब आई है भावफल, जी जी कंप्लीट मैंने 1 से लेके 12 कर कंप्लीट लिए, तीन कर दी की, जब और मैंने, चार तो हम लोगों ने वहाँ पे लॉन्च करी थी ना दिल्ली गोष्ठी पे, हाँ जब अब कुछ वो बारह के बागला बारह, जी, मैं हाँ था, बारह के शंकर बारह, जी थे। जी हाँ अब बारह जी के बारह आ गए, बहुत एक बढ़िया, से के बहुत बारह। अच्छी बुक है, बहुत अच्छी बुक है वो, बहुत बढ़िया। तो सर की बुक से हम लोगों ने काफ़ी सीखा है, भावफल है, ग्रैफल विचार है, काफ़ी बुक्स ग्रेफल हैं, ग्रैफल व्याख्या, ग्रेफल जी बहुत अच्छी बुक्स हैं, उनको पढ़ पढ़ के सीखा है हम लोगों ने। तो सर अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर करिए हमारे व्यूवर्स के साथ, अरुण जी, एक चीज मैं थोड़ा पूछना चाहूंगा एक्स्ट्रॉर्डिनरी। सर से, हाँ उमेश राहुल जी, सर से मैं भी मिला हुआ पहले काफी रहा, तो सर ने लगा कि वो पहले केपी एस्ट्रोलर थे, लाजताब में उनका इंटरेस्ट हाँ नहीं मैंने था। मैंने ज्योतिष की सारी विद्याएं पढ़ी, स्टार्ट पहले आपने स्टार्ट केपी से किया था ना? हाँ केपी से किया था मैंने, केपी जी, क्योंकि से स्टार्ट किया, फिर जब मैं आपके घर आया था आपने बताया था मुझे। जी हाँ फिर जैमिनी पढ़ी, वैदिक पढ़ी, सारी सारी पढ़ी। लेकिन मुझे लागत में मजा ये कि ना टू पॉइंट बात कर जाती है, टू एकदम सही, द पटाखा। पॉइंट पकड़ती है बातों पर, इधर ज्यादा भागना नहीं पड़ता कि सर लगन को पे, गोचर का भी नॉलेज अच्छा है, काफी अच्छा नॉलेज है सर को गोचर का। जी टू लगन द पॉइंट पे क्या। बातें, तो सर टू द पॉइंट बातें करने का मजा ही लाल किताब से आता है। हाँ जी तो मैंने वरुण पाजी वो आपको देखा था मतलब, लेकिन लाल किताब में भी तो प्रैक्टिस सही है। जब मैं आपके पास वरुण पाजी पहली बार आया था तो वो, मैं एक इंसिडेंट सारे व्यूअर्स से शेयर करना चाहता हूँ। मैं फर्स्ट टाइम जब वरुण पाजी का गया था किसी काम से, तो मैं बाहर ही वेट कर रहा था, तो वरुण पाजी ने बोला कोई नहीं कोई नहीं आप अंदर आ जाओ, मुझे कल जैसे याद है। तो मैं अंदर गया तो ये किसी को बता रहे थे, इन्होंने किसी को वरुण पाजी ने बताया, तो वो बंदे ने नॉर्मली ऐसे बोला, कह रहा है कि भाई मैं अपना क्या कहते हैं इस पे बिलीव नहीं करता, एस्ट्रोलॉजी पे और लाल किताब पे तो बिल्कुल बिलीव नहीं करता। तो मेरे सामने वरुण पाजी ने उसे प्रेडिक्शन दी, उसने कहा भाई तुमने अपने इस बच्चे को पैदा होने से पहले, मेरे को आज तक अच्छी तरह से याद है वरुण पाजी, मैं आपको रिमाइंड करा देता हूँ, आपने प्रेडिक्शन दी थी उसको, वो कपल बैठा हुआ था, आपने उन्हें बोला था कि तूने अपने इस बच्चे को लेने के लिए बलि दी थी कच्चे मांस की, और तूने अपनी वाइफ को कच्चा मांस खिलाया था। आपको शायद याद होगा, नहीं ये हम रानीबाग की हाँ जी, बात कर याद रहे हैं, है, याद सितंबर है की, मुझे, याद है। याद है ना। वो सासु रहे थे अपनी बहू की कुंडली लेके। जी हाँ कि तुमने कच्चे मांस की बलि दी होगी, और बंदा मेरे सामने हिल गया था, पसीने पसीने हो गया था, वरुण पाजी के पैरों में पड़ गया था कि भाई ये बात मैंने किसी से शेयर नहीं करी पूरी जिंदगी में, सिर्फ मेरे अंदर थी और आपने निकाल के चीज दे दी। और दूसरा एक प्रेडिक्शन मेरे सामने ये भी थी कि किसी की मकान पत्री देखने के लिए गए थे, तो वहां पर वरुण पाजी ने उसे बोल दिया था कि तुम्हारे यहाँ पर जब से एक ये जो नाई था वो लंगड़ा था, जब से गया तब से तुम्हारा काम बैठ गया।
तो मेरा ये वरुण पाजी मानना है, शायद लाल किताब से हम बहुत कुछ देख सकते हैं, लेकिन उसके लिए फिर प्रैक्टिस बहुत ज्यादा चाहिए, जैसे बिल्कुल आपने करी बिल्कुल, हुई है, उमेश सर ने करी है, वरुण पाजी आपने करी हुई है। ये प्रैक्टिस जो है मेरे अकॉर्डिंगली उमेश सर कोई भी कर सकता है, लेकिन उसके लिए डेडिकेशन बहुत ज्यादा चाहिए। जी बिल्कुल, आपको एक चीज के ऊपर स्टिक रहना पड़ेगा कि हमें यही करना है। वही इसीलिए जब ज्योतिष जो ज्योतिषी होते हैं उनके पास दूसरा काम रहता नहीं, वो बिल्कुल, ज्योतिषी हो जाते हैं। फोकस फोकस बहुत जरूरी है हाँ, ज्योतिष के लिए। जब नहीं भाई साहब केमिकल इंजीनियरिंग कहाँ, केमिकल फोकस इंजीनियरिंग और रहेगा कहाँ है ज्योतिष। कहाँ ज्योतिष, ठीक बात है सर। आज भी आपको मेरे घर में मंदिर नहीं मिलेगा। सेम एयर पाजी उमेश सर, सेम पिंच। मेरे घर में आज भी मंदिर नहीं मिलेगा, लेकिन वो है कि ज्योतिष विश्वास क्या बैठा, मेरा विश्वास लोगों ने बिठा दिया, मैं तो था ही नहीं। मैं तो अब मैं क्या शेयर करूं, मैं ऑनलाइन नहीं मैं प्लीज एक प्लीज। बात तो रहते हैं कि मैं बताया ना, मैं तो बेसिकली पैसे कमाने आया था ला किताब के लिए, बिल्कुल सही है। और कुछ नहीं, मेरा एक ही टारगेट था कि मैंने पैसे कमाने। मैंने भाई साहब भीख मांग के रोटी खाई हुई है, और वो भी साले ने मेरे को भीख नहीं दी, मेरे को ब्रेड ला के दे दी थी, 2 रुपये नहीं दिए थे मेरे को बंदे ने, लेकिन इसके अंदर मुझे बड़ी अच्छी वो मिली। जी कई कई मेरे पास जिंदगी के अंदर वो मैं एक्सपीरियंसेस। बैठा हुआ था तो जी मेरे पास, मेरे को कई लोग बड़े अच्छे अच्छे मिले हैं जो पंडित जी के बड़े नजदीकी थे। आपको पता पंडित जी का लगन क्या था, पंडित जी के लगन में क्या था नहीं है वरुण जी? पंडित नहीं जी। जी के लगन में सूर्य था, अच्छा सूर्य लगन में बैठा हुआ, ओके जी एक ही ग्रह था मुझे याद है, बाकी याद नहीं है। पंडित जी जी की टेवे के तो सूर्य लगन में था उनके, जी तो ना मैं बैठा हुआ था तो पंडित जी के पास एक बंदा आया, अच्छा वो आर्मी, अच्छा पंडित जी आर्मी वालों की टीवी ज्यादा देखते थे, ओके तो जी वो आया, उसने आके टेवा दिखाया, वो कहता जी मैं कभी मौत से हम डरे नहीं, हम तो फौज में मौत से डरे नहीं, खूब लोग मारे हैं, लेकिन आजकल मेरे को मौत से बड़ा डर लग रहा है, ठीक है और मेरे घर के लोग मरते जा रहे हैं। तो ओके बंदे कहने मर्दमान में सांप पालेगा तो यही होगा, पंजाबी कहना वो सांप पालेगा तो यही होएगा ना, जी मर्दमानी जो सांप काली जाके तो यही होएगा, तेरे कारण मौत ही होनी है, तो उन्होंने छदा जंगली जाके अच्छा भाई साहब, वो उसको शौक सांप पालने का शौक था, अच्छा वो छोड़ के आया। जी एक सज्जन आए मेरे पास, वो ग्लैक्सो कंपनी के अंदर वो थे, अच्छे ओके हायर पोस्ट पे थे ग्लैक्सो कंपनी के अंदर, तो वो कहे मैं पंडित जी के पास गया टेवा दिखाने, तो वहाँ एक वो मिलिट्री से एक बंदा आया, उसने टेवा दिखाया, वो कहना केड़ी कार है मैं तो, कहना पंडित मेरे को कार कितने, मैं तो रिक्शा से आया बड़ी मुश्किल, कहना रिक्शा आया तो सूफी ना होगा, तो सूफी ना होगा वो बंदा, आज की डेट में पंजाबी बाग में रहता है, ओके बहुत बढ़िया कोठी है, बच्चे उसके बाहर रहते हैं, तो जी बच्चे उस बंदे के पास वो दारू पीने का तो आपको पता है मिलिट्री मैन का शौक होता ही है, बिल्कुल आज भी उसके पास कार नहीं है, अच्छा प्रॉस्पर्टी सारी है, जी बच्चे बड़े हैं, फर्स्ट क्लास अच्छे बाहर रहते हैं, सब कुछ करते हैं, कार नहीं खरीद पाया, वो कार पे नहीं है, आज भी वो रिक्शा पे चलता है, स्कूटर पे चलता अच्छा है। पंडित जी ने एक वर्ड बोला सूफी ना होगा, सही वाकई है बात की। सही है। तो ऐसे तजुर्बे जो हैं ये हमें आप लोगों से सीखने को मिलते हैं कि ये भी हो सकता है। तो उमेश सर एक और चीज, हमें हमारे व्यूवर्स में ना बहुत सारे लोग स्टूडेंट्स भी हैं, हाँ तो आप जो लाल किताब के या एस्ट्रोलॉजी के जो स्टूडेंट्स हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहोगे? वो वही बात है, डेडिकेशन चाहिए इसके अंदर, और ग्रामर पे जोर डालें, जी ग्रामर जितनी अच्छी याद कर लेंगे उतना अच्छा उनको मिल जाएगा। अब जैसे सूर्य पुरुष शुक्र में मुकाबले ग्रह में आ गए, यहाँ जी पे सूर्य मुकाबले का ग्रह है, सातवें घर में सूर्य आ जाए तो सूर्य मुकाबले का ग्रह हो जाता है, अब ये जी दोनों दोस्तों में दुश्मनी पैदा कर देगा, जी बिल्कुल अकेला यही घर है, और किसी घर में दो ग्रह का, दो ग्रहों का योग होता ही नहीं जी जो आपस में मित्र हो। अब मेरी बात दिमाग से निकल गई, क्या करने तो कुंडली डिस्कस करो ना तो ज्यादा मजा जी आएगा। जी चलो मैं कोई कुंडली शेयर करता हूँ आपसे। कुंडली जी अभी शेयर कर रहा हूँ। तो राहुल आपने कुछ पूछना था शायद सर से, आप पूछ रहे थे तब तक मैं कुंडली शेयर कर रहा हूँ।
सर से ये पूछा था कि सर जैसे कि पंडित जी के बारे में कुछ और बताइए, काफी सुना था उनके बारे में। इसी जैसे आपने कहा कि उनके पास फौजी आते थे दादे खाने के बाद, तो वो सुनने में आया था कि वो उनको एक सिक्का मतलब एक पेंडेंट देते थे लॉकेट पहनने को। तांबे का पैसा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो वो बड़ा फेमस था कि उनके बारे में कि जब भी जंग पे जाएगा तो वो मतलब उसकी मृत्यु नहीं होगी, तो ऐसा क्या था उसमें? जब भी मतलब उनके बारे में फेमस, जब भी वो जंग पे जाएगा या सरहद पे जाएगा तो उसको खतरा नहीं रहेगा मतलब दुश्मन से, शहीद नहीं होगा। हाँ जी ठीक है यार, देखो मैं तो मिला तो हूँ नहीं उनसे। जब मैंने ज्योति शुरू करी थी पंडित जी एक्सपायर हो गए थे, तो उनके जानकार से जो जो मिले, मेरे फादर इन लॉ थे वो पंडित जी के बड़े दोस्तों में थे। पांचों किताबें कहाँ से मिली? पांचों किताब मेरे को मेरे फादर इन लॉ से मिली। फादर इन लॉ को पंडित जी ने कम से कम 100 सेट दिए होंगे कि तू भैया जो तेरे को लगे कि ये इस लायक है तो उसको सेट दे। तो मेरे फादर इन लॉ ने एक सेट अपने पास रखा, बाकी सेट उनको वापस गए। कहते मुझे कोई ऐसा बंदा नहीं मिला जिसको मैं ये दे सकता, तो वापस करा। तो वो एक सेट उनके पास पड़ा था, उनके आफ्टर द डेथ ऑफ माई फादर इन लॉ वो जो वो किताबें मेरे को मिल गई, हमने उसका हिंदी में ट्रांसलेशन किया। तो उसमें पांचों पांचों किताब मेरी हिंदी ट्रांसलेट है। इसको थोड़ी स्टडी करी, जब स्टडी करी तो फिर क्योंकि मैं केमिकल का आदमी था, साइंटिस्ट था, साइंस का बंदा था, अंदर घुसना मेरी आदत थी, तो मैं इसके अंदर घुसता गया। वो तो आप आज भी घुस रहे हो जी, आपके हर बार कोई ना कोई मैसेज आया होता है कि कोई इसका मीनिंग बता सकता है तो बताओ। मजा आता है इन चीजों से। तो सर ये मैं एक चार्ट शेयर कर रहा हूँ, ठीक है? ये चार्ट आपको विजिबल होगा, सिंह लगन का चार्ट है। सर दिख रहा है आपको? हाँ बोलो, बोलते जाओ ना। मैं जी लगन में बुध है, सूर्य सेकंड हाउस में, तीसरे घर में शनि, चौथे में गुरु और केतु, छठे में चंद्र, दसवें में राहु, मंगल और शुक्र बारहवें घर में। 83 बॉर्न है, सितंबर 83। लड़का? लड़का है जी। ये बंदा कम से कम अगर मेरे हिसाब से, अगर हिसाब से चले और दारू ना पिए, हाँ ड्रिंक बैन कर दे ये, तो आदमी 300 करोड़ का मालिक बन सकता है, कोई ना कोई बड़ा ग्रुप चला सकता है। ये आदमी हर रोज 1-1.5 बोतल दारू पीता है बस, तो इसलिए बर्बाद हो जाएगा ये। बर्बाद ही है, बर्बाद हो जाएगा सब। मैं कहा 5,000 करोड़ का आदमी आज सड़क पे है सिर्फ ड्रिंक करने की वजह से जी। और तुम्ही ने उसकी पत्नी भी डिस्कस करी थी आपके उसी सम्मेलन में, हमने पत्नी इसकी डिस्कस करी थी। नहीं ये नहीं करी थी। नहीं नहीं, एक बंदा था मैंने पत्नी डिस्कस करी थी, इसकी ग्रहचाल भी एक ऐसी, उस ग्रहचाल में भी एक जगह ऐसी थी जी, ये बंदा बहुत ऊंचा जा सकता है जी, शर्त की शराब ना पी जी। कई बार समझाया है, कई बार समझाया। हाँ नहीं, मेरे को बुलाना बंद कर दिया उन्होंने, कहते यार पंडित तो पागल जब आते तब शराब मत कर, कहते हम 5,000 आदमी संभालते हैं, कहते 5,000 शाम को पता हमारा सिर कितना पड़ जाता है जी। मैंने कहा तुम्हें ये नहीं पता तुम्हें पैसा दे कौन रहा जी। बिल्कुल, अब देख लो मैं तुम्हें इसमें एक बेसिक नियम बता देता हूँ जी। जब पापी ग्रह सोए हो जी तो शुभ फल करते हैं। बिल्कुल, अब इसमें कौन सा पापी ग्रह है? शनि। शनि यानी तीसरा, नवा और ग्यारहवां घर खाली जी। ये इस आदमी को कहाँ कहाँ पहुंचाते, बशर्ते शराब ना पिए, शराब पीने से शनि मंदा हो गया। बिल्कुल, मंगल शुक्र 12 है, ये भाइयों में सबसे बड़ा या अकेला होगा? अकेला भाई है। और इस कोई ना कोई प्रेमिका इसके गले लगी रहेगी, मैरिज लाइफ इसकी डिस्टर्ब हो जाएगी, औरत को लेके इसकी बदनामी जरूर होगी जी। हो चुकी। हाँ, ये अपनी वाइफ को ही लेके भाग गया था। हाँ, औरत को लेके बदनामी होती है जी, और कोई ना कोई प्रेमिका इसके गले चिपकी रहती है जी। अब शादी होगी उसके बाद भी चिपकी रहेगी कोई ना कोई जी। ये उसका तो खैर नहीं पता, लेकिन पहले एक बार हो चुका। चौथे घर में बृहस्पति है, गुरु केतु चौथे घर में। हाँ तो बृहस्पति है ना चौथे घर में, इसका लड़का नहीं है? लड़का है जी एक छोटा। लगन में बुध है ना, तो पहली बेटी दे दी ना उसने। हाँ तो बड़ी बेटी। हाँ ठीक है, और एक बहन भी है। नहीं लगन में चौथे घर में गुरु है, उसके पिता है, दादा के बड़ा नाम हो, दादे का नाम था, पिता का कुछ खास नहीं। हाँ, दादे का नाम ना होगा जी। अब यहाँ पर जी प्लीज, और छठे घर में क्या बैठा है? छठा चंद्र। चंद्र
हाथ में शफा है बस इसके, हाथ में शफा है। हाँ हाथ में शफा है, चौथे घर का असर चला गया ना तीसरे घर में जहाँ शनि बैठा है। शनि बैठा है तो पिता को इसलिए कोई खास रिजल्ट मिले नहीं ना, जो पिता के पास जो कुछ था वो सब पिट गया। लेकिन शनि मंगल शुक्र को सपोर्ट कर रहा है जिसकी वजह से चाचे ताए जो हैं वो सॉलिड है। 3-12 की आपसी मदद आ गई ना, 3 मंदे काने पग 12 उंदा उसके। तो सूर्य का चंद्रमा का सपोर्ट भी है वरुण जी? सूर्य का बिल्कुल है, तो चंद्रमा वहां पे है कौन? नानी, नानी नानका अच्छा रहेगा, नानका ठीक है जी। सर और कुछ? अब जैसे इसका 37वां साल है तो क्या करेगा ये, कुछ करना चाहिए इसको? क्या करेगा, क्या है इसका दिमाग वहां से निकलेगा रोमांस से बाहर आएगा तभी तो कुछ करेगा, बस यही तो दिक्कत है। अब ये 24 घंटे रोमांस की तरह इसका ना, इसका जो प्रेजेंट है सर ये ना काम कर रहा है सलून का। सलून का? हाँ जी। हाँ सलून तो बड़ा लग्जरियस है इसका, लेकिन इस वक्त फाइनेंशियल इतनी ज्यादा दिक्कत है कि काफी पैसे इसने देने हैं, मतलब कि 10-15-20 लाख कर्जा है इसके ऊपर। दारू छोड़, दारू नहीं छोड़ेगा तो तू बर्बाद, बिल्कुल बर्बाद। जी उसकी राहु चंद्र का झगड़ा भी है, बिल्कुल है, तो वही नशा ही है ना, नशा ही है। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, जितनी देर 5-6 का झगड़ा है प्रोफेशन सेट नहीं होने देगा, बिल्कुल नहीं होने देगा, जब तक नशा नहीं छोड़ेगा तब तक कुछ नहीं होगा। लेकिन फिर भी इसको एक उपाय करा दे तो इसका कुछ ना कुछ भला हो जाएगा। जी भला ये कि शनि तीसरा है जी, तीसरा घर किसका है? मंगल का। तो मंगल राशि किसकी है? बुध की। मूंग की दाल का हलवा जी, मीठा भी आ गया बिल्कुल, मूंग भी आ गया, मंगल भी आ गई। मूंग की दाल के हलवे में साबुत बादाम गिरी जी, बाजार से खरीद लिया, उसमें साबुत बादाम गिरी मिक्सअप कर दे जी, शनि हो गया आके, और कंजकों में बांटे, सिर्फ कंजके बांटनी है, खुद ने नहीं खाना, बिल्कुल बिल्कुल कंजकों में बांट दे। ये बंदा डे बाय डे ऊपर 300 करोड़ ठीक है, लेकिन जब तक परहेज नहीं होगा शराब का क्या फायदा? फिर तो कोई फायदा ही नहीं, फिर तो कोई फायदा नहीं। एक और मेरा क्लाइंट है, उसका भी शनि तीसरा बैठा है जी, शराब का भी जैसे वो शराब पी आता है, अब उसके वरण निकले हुए इस समय, बिल्कुल इसके भी वारंट निकले हुए हैं। वारंट निकल जाते हैं, भी निकले हुए हैं अभी। इसके भी निकले हुए हैं। चलो कोई और लगाएं सर? लगाओ। चलो अभी शेयर करता हूँ सर, किस्से तो बहुत हैं। तो कोई और अपना कोई बड़ा सा कोई तजुर्बा जो आपने किया हो, आई थिंक मुझे आप, मैं पूछना चाहूंगा कि आपको एक बार कार गिफ्ट आई थी। अरे उसी ने दी थी, राजीव संजीव जैन ने, राजीव जैन जी, संजय जैन ने, सॉरी जी जी जी, वो उनकी मैंने जब वो लड़के जब मेरे पास आया तो चंद्र दो श्रेणी थी, मैंने पहले छूट दे उसको, मैंने कहा आपके लड़का नहीं है, पहले तो मैंने कहा होगा भी नहीं, क्योंकि मुझे पता था इनके घर में घंटिया घुंटिया वो सारा घंटिया शंख सब ढेर पड़ा हुआ था उनका, तो कहते क्या करना चाहिए, मैं कहा ये सब हटाओ तो राइजिंग भी आएगी, नहीं तो राइजिंग नहीं आएगी। मैंने जब उनको ज्वाइन किया था 100 करोड़ का ग्रुप था वो जी, जिस मकान में अब तुम मेरे को देख रहे हो इसी मकान में हुआ है जी, इसी कमरे में बैठे थे जहाँ मैं अब बैठा जी। उन्होंने फिर मुझे बुलाया, उन्होंने तो मुझे लेंसर गिफ्ट करी थी 555 जी, बिल्कुल बिल्कुल स्पोर्ट्स मॉडल नीले रंग की थी, बिल्कुल वो मेरे को वैसे मैंने मैं उसके साथ जाया था, मेरे को पसंद आ गई, मैं कह रहा था जब गाड़ी बेचोगे मुझे बता देना। उसने अगले दिन गाड़ी मेरे घर भेज दी जी, कहता रखो जी आप। मैंने उसको बहुत, मेरा बड़ा दिल में दर्द हुआ, मेरे को करते 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 मैं उसको पैक कराते कराते, राहुल साहब था चांदी की ट्रकवाई सब कुछ करवाया करता करते, वो 5,000 वो एयरवेज खरीद, एयर जो जहाज नहीं होते हैं क्या कहते हैं जहाज की कंपनी क्या होती है, एयरलाइन खरीदने की सोच रहा था जी। और कहा उसका अरेस्ट हो गया, देखो बुध 9 राहु 11 ये तो ये पोजीशन आई थी उसकी। ओके मैंने कहा जी जेल खाना पागल खाना दवा खाना जी, मैंने यही बात बोली जी, उसने बड़ा लाइटली ले लिया मेरे को। चलो सर ये चार्ज लगाते हैं। हाँ तो मैं ज्यादा बोलता नहीं
एक चार्ट ये लगाते हैं। आ, इसमें क्या है? आंटी जी से माफी मांग लेते हैं। नहीं, 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 नहीं। चंद्र और शुक्र द्वितीय भाव में, चंद्र शुक्र दूसरे भाव में, तीसरे भाव में केतु, तीसरे भाव में केतु, नवम भाव में राहु, हाँ, दशम में मंगल, बुध और शनि ग्यारह में, वाह, सूरज और बृहस्पति बारह में। लग्जरी में काम करेंगे सर पक्का। 1981 जो है इनका बॉर्न है। ये कितने बहन भाई हैं? तीन बहन भाई हैं। तीन हैं शायद ये। तो इसके फादर भी तीन बहन। एक एक बहन है, एक भाई है। दो लग्जरी में काम करेंगे। दो ही हैं, दो ही हैं, दो ही हैं। इसके पिताजी भी अकेले थे? नहीं, पिताजी के चार तीन भाई थे। दादा? दादा दो थे, मतलब दादा का एक भाई था बस, और एक बहन, तीन। हाँ, वरुण तू बोलना इस पे। चंद्र शेखर दो। वरुण पाजी लग्जरी कंपनी में क्या? देखो बिल्कुल लग्जरी कंपनी है जी ये, किसी बड़ी, हाँ, लग्जरी में काम करेंगे मेरा मानना है। नवे नवा घर और दूसरा घर दोनों घर भरे हुए हैं। बिल्कुल, दसवां घर दूसरा घर दोनों घर भरे हुए हैं। बिल्कुल, देखो जी यहाँ पर तीन बारह का यहाँ भी है ना, तो केतु जो है वो सूर्य बृहस्पति के साथ मदद बुनियाद पे है, फिर वो तीन बारह वाला रूल हो गया। और ये मंगल क्या नाम है जी, भी है। बिल्कुल, यहाँ पर दशम भाव का जो मंगल है वो चंद्र और शुक्र से एक्टिवेटेड है, यहाँ पर इसके ताए को काफी प्रॉब्लम्स रही हैं। तीसरे घर में मंगल की जड़ में शत्रु ग्रह होने की वजह से इसको कंधे में दिक्कत रहेगी, फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम है इस शख्स को। अच्छा, ठीक है। और बृहस्पति की जड़ें देखो खराब हैं, शुक्र है, बुध है, राहु है, जिसकी वजह से इसके बृहस्पति की खराब होने की वजह से, यहाँ पर जब भी बृहस्पति खराब होगा ना तो बुध बन जाएगा। हाँ, बुध बन जाएगा, ठीक है ना। और बुध केतु के ताल्लुक में केतु की दिक्कत है कि बेटा नहीं है, और किडनी के रिगार्डिंग प्रॉब्लम इसको भी आ चुकी है। जब भी बुध खराब होगा, जो मेरी ऑब्जर्वेंस है, तो कहीं ना कहीं उसको किडनी की प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। इसका भी ट्रेंड जो है वो बढ़ता था। बृहस्पति की मंदी निशानी शनि से, और असर वो खुद बुध बन जाएगा असर के ताल्लुक में। और बुध की देखो तासीर जो है वो शनि की, अब शनि पापी कर रखा है केतु ने, और असर वहां जाएगा जहां पर बृहस्पति कुंडली में बैठा हो। तो बुध का जो जैसा भी असर है वो बारह में चला गया, बारहवें घर का बृहस्पति है ना, तो जब वो बारह में चला जाता है तो फिर वो वहां पर इतना अच्छा घर तो है नहीं बुध के लिए, जिसकी वजह से किडनी की प्रॉब्लम जो है वो लंबी चलेगी, धीरे 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 चलता जाएगा। लेकिन पॉजिटिव एस्पेक्ट्स बहुत हैं इस हॉरोस्कोप में। इस हॉरोस्कोप को सर देखते समय ना, अब जैसे उमेश जी आपको पता है कि रूल आप ही से खैर सीखा है, कि आपकी बुक्स पढ़ पढ़ के सीखता आया हूं मैं शुरू से, कि सूर्य से एक दो तीन की तरतीब से अगर आगे शत्रु ग्रह बैठे हों तो उन शत्रु ग्रहों पे और घरों पे बुरा असर होगा, ठीक है ना। तो इसको पूछा गया था कि क्या इनके परिवार में किसी औरत ने जलकर मरने की कोशिश की थी या आत्महत्या कमिट की थी, तो वो भी हो चुका है। और सूरज से एक दो तीन की तरतीब से पहले भी शत्रु बैठे हैं, जिसकी वजह से अपनी सेहत भी मंदगी रहेगी, कुछ ना कुछ इसको लगा रहेगा, तो वो भी लगा रहा है। अब आप कुछ प्रकाश डालिए। अरे भाई सर, एक दो क्वेश्चन पूछ सकते हैं इसमें? जी जी जी, प्लीज। तो इसमें अगर जिसकी भी है, क्या इस जातक में हमें पूछ सकते हैं कि इसके जातक के घर में, जैसे मेरी समझ ये कहती है कोई ना कोई ट्यूशन किसने पढ़ाई होगी, या हो सकता है मैं भी कोई टीचर रहा हो। ये राहुल का फ्रेंड है, राहुल। अच्छा जी, राहुल कौन? यहाँ ये राहुल पुरी बैठा है अपने साथ। अच्छा, राहुल। राहुल जी, इसमें एक बात मैं भी बोलूंगा जी। ये जब शुक्र चंद्र जब खाना नंबर दो में रहते हैं, तो ये आदमी जैसे ही बड़ा होता है ना, इसका इश्क बढ़ते जाता है। बुढ़ापे के अंदर इश्क करेगा। राहुल बताओ ना, मेरे साथ दूसरे किसी ने ट्यूशन कराया या कोई ऐसा है इसके साथ? क्या क्या ट्यूशन पढ़ाई है इनके परिवार में किसी ने? और नहीं। ओके, नहीं पढ़ाई सर। ठीक है सर, नहीं है टीचर, ट्यूशन तो कोई नहीं है। बुढ़ापे के, बुढ़ापे में दूसरे घर के ग्रह बुढ़ापे में असर करते। अच्छा, बिल्कुल अच्छा।
तो आदमी बुढ़ापे के अंदर इसके अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं। एक कुंडली है, एक कुंडली है अच्छा फल दे ओ मंगल जी। उमेश सर सॉरी और भी बोलूंगा कि खाना नंबर दो में जब शुक्र चंद्र रहेगा तो ये बुढ़ापे में दूसरी शादी करते हैं। हाँ, ये भी हो जाता है कभी कभी। हाँ। देखा सर सुपर उत्तम। वो दूसरी शादी हो सकती है, पॉसिबिलिटी बनती है क्योंकि बुढ़ापे में इश्क करना उसमें जी तो दूसरी शादी करनी बिल्कुल। ये फर्स्ट फ्लोर पे रहता है? हाँ जी, ये फर्स्ट फ्लोर या सेकंड फ्लोर पे रहता है? आई थिंक ये थर्ड पे है राहुल। तो सेकंड फ्लोर है इनका, सेकंड फ्लोर है इनका। ऐसे बंदे चुबारे पे ही रहते हैं जी। तो ये भी तो वरुण सर ये भी तो हो सकता है इसमें कि अगर सेकंड मैरिज ना हो तो हो सकता है उमेश सर इसके किसी और के साथ शारीरिक संबंध बन जाए। मैंने वही तो कहा कि इश्क इश्क में अंधा। अब ये देखो दीवानी इश्क में अंधा। हाँ, अब ये एक एक टेबा है, वो बंदा डीपीएस में टीचर था, रिटायर हो चुका है जी। मंगल शुक्र दो, बृहस्पति चार जी, शनि दस, दसवां श्रेणी बैठा है तुला का जी, तो उसका सूर्य बुध बारह, बुढ़ापे के अंदर वो अब रिटायर हो चुका है जी, कॉमर्स का टीचर था रिटायर हो चुका है जी, इस उम्र में भी आके वो ज्योतिष सीख रहा हूँ इस वजह से कि लड़के पे इम्प्रेस कर सके। वाह मंगल शुक्र दोष। वाह बड़े शान से बताएगा जी। हाँ मैं तो अभी भी अफेयर चल रहे हैं और जो पहले की सेलें पाल रखी हैं वो तो होता है जी, होता है। चलो बहुत अच्छा लगा आज की डिस्कशन करके। तो सर मैं उम्मीद करूंगा कि अगले थर्सडे योग चर्चा में अगर आपका इजाजत होगी तो हम दोबारा फिर से पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक, तो कोशिश करिएगा कि जरूर हमारे साथ आप साथ दीजिएगा। जरूर। तो आज के सेशन को विराम दें राहुल भाई, देवांशु जी। बिल्कुल सर, बिल्कुल जी सर, सर बिल्कुल बिल्कुल पाजी बिल्कुल। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर योर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर, थैंक यू सर। तो अगले थर्सडे को दोबारा योग चर्चा इसी तरह से हम करेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा व्यूअर्स को कुछ सीखने को मिले। आज के सेशन को विराम देते हैं। खुश रहो, आबाद दुनिया, मालो जहां बढ़ते रहो, मदद मालिक अपनी देगा, नेकी खुद करते रहो। उमेश सर आपकी ब्लेसिंग्स, या आपके मुंह से भी ये श्लोक सुनना चाहूंगा। उमेश सर आशीर्वाद दे दीजिए। आशीर्वाद ही आशीर्वाद दिया मैं, प्लीज आपके मुंह से सुनना। बड़ा बना दिया, मैं इतना बड़ा हूँ नहीं। नहीं आपकी उम्र नहीं बड़ा कर रहे, लेकिन आपके ज्ञान तो बड़ा है। वही तो कह रहा हूँ, अब कई जगह तो मैं आपके सामने चुप नहीं कर गया। अरे नहीं ऐसे थोड़ी ऐसा नहीं है सर, प्लीज ये भी बड़प्पन है आपका सर। बिल्कुल आपके मुंह से सुनना चाहेंगे, प्लीज आशीर्वाद वाला तो बोलो जरा फिर से बोलो। खुश रहो, आबाद दुनिया, मालो जहां बढ़ते रहो। खुश रहो, आबाद रहो, मालो जहां बढ़ते रहो, मदद मालिक अपनी देगा, नेकी खुद करते रहो, नेकी खुद करते रहो। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। ओके सर, थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच।